मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए एंड अपने अपने कामों में व्यस्त तो आज नहीं होगा क्योंकि आज संडे। तो मैं भी व्यस्त नहीं हूँ, घर के कामों में व्यस्त हूँ। ऑब्वियसली घर के काम तो हम करेंगे ही, घर के कामों में व्यस्त हूँ। और आज संडे था तो थोड़ा आराम से उठे, फिर भी 8 बजे तक हमारा नहाना धोना पूजा पाठ इतना हो चुका है। और हमसे पहले भी पीहू उठ चुकी थी जो कि अपना पीटीपी बना रही है, बन चुका बन चुका है, आज इनको सबमिट करना है तो इंटर कंप्लीट हो चुका है। और नवीन सीनियर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ 17 सितंबर को ना हमारे साइड में ना विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, बट महाराष्ट्र में नहीं मनाते ये चीज़। महाराष्ट्र में पता है क्या, दशहरे वाले दिन मनाते हैं, जिस दिन दशहरा होता है उस दिन मतलब गाड़ी की पूजा, मशीन की पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ आज करते हैं। तो मैं तो नहीं, नवीन जाएंगे कंपनी में, मशीन की पूजा औजा करेंगे। वैसे उन लोगों को बोल दिया, जो भी हमारे स्टाफ है उनको बोल दिया कि पूरा अच्छे से साफ वाफ कर दो तुम लोग, मैं आता हूँ पूजा करने। तो नवीन अभी नहा रहे हैं और मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया। और ब्रेकफास्ट में आपको पता है ना, कल लिट्टी बना था हमारे घर में, तो बासी लिट्टी मुझे बहुत पसंद है। और हमारे पड़ोस से इडली आ गई थी, बहुत ज़्यादा इडली आ गई थी हमारे यहाँ से, तो उनके यहाँ से, तो इडली पड़ा हुआ है। तो खाना ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शाम को ही बनेगा बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि नवीन अब जाएंगे तो शाम को ही आएंगे। तो इतना सारा मैंने आपको बताया और मैं चलती हूँ नीचे चाय बनाने, मेरी आंखें रेड हो रखी है ना, मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। चाय और लिट्टी खाएंगे, वैसे भूख तो अभी नहीं है, लेकिन नवीन अब चले जाएंगे तो चाय बनाना पड़ेगा। भूख तो बिल्कुल भी नहीं है अभी, क्योंकि रात को ना हम एक्चुअली खाने की आदत है नहीं, थोड़ा लेट खाए थे, 8 बजे 9 बजे खाए थे खाना हमने, तो जिसकी वजह से भूख नहीं है अभी, लेकिन खाना पड़ेगा। खाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि चाय है, तो चाय के साथ लिट्टी अच्छी लगती है। तो मैं चलती हूँ नीचे चाय बनाने, और नवीन भी आई थिंक नहा लिए हैं, तो वो भी नहा के पूजा करके निकलेंगे 2-3 मिनटों में। उसके बाद से मैं घर की सफाई करूँगी और मुझे शैम्पू भी करना है, लेकिन शैम्पू सुबह सुबह इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं लहसुन प्याज जो लिट्टी है उसमें तो लहसुन प्याज है ही, तो खा लूँगी। इसलिए मैंने सोचा शाम का खाना मैं जो भी होगा बिना लहसुन प्याज का बनाऊँगी, और तो मैं दोपहर के बाद शैम्पू कर लूँगी अपने बालों में, तो जब तक घर का भी थोड़ा बहुत काम कर लूँगी। मैंने पूजा करना तो इसलिए जल्दी नहा लेती हूँ, नहीं तो नहाती आराम से शैम्पू करके। तो शाम को बिना लहसुन प्याज का खाना खाने इसके लिए शैम्पू करूँगी 2-3 बजे, तो घर का कुछ काम कर लूँगी। बहुत काम पड़े रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, वर्किंग लोगों को एक दिन में सब कुछ काम समेटना होता है। तो अभी मैं ऊपर का काम कुछ नहीं करूँगी, ब्लैंकेट सब फोल्ड कर दिए, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। कभी आओ हमारे शहर में, नासिक में, चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि भीड़ पड़ रही है, तुमको डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं है, मुझे किसी को भी अलाउ नहीं है, अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और नवीन सही में नहाने घुस गए, बाथरूम में घुस गए, और मैं चलती हूँ किचन में चाय रखने के लिए। चाय रखूँ? तो 2 दिनों बाद हमारे यहाँ धूप निकला हुआ है, में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फाइनली हमारा बन गया चाय, इधर दूध बॉयल कर रही हूँ, इधर पीओ का दूध गर्म करके रख दी, और नवीन कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, मतलब पहन रहे हैं। तो आते हैं चाय लेटे खाते हैं आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोगों को मैं जरूर, आपको मेरी गुड न्यूज कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना, पिछले वाले ब्लॉग का, बिकॉज आई नो फन था, फनी था फनी, बट कुछ ऐसे ऐसे भी होने चाहिए, है ना? हाँ क्या है ना, चेयर पे है।
हो गया, मैंने शैम्पू कर लिया अपना और आपने बोला मैं वही ड्रेस डाला, यस मैंने वही ड्रेस डाला बिकॉज ये शुद्ध ही ड्रेस था, मतलब इसको मैं पहन के वॉशरूम नहीं गई थी तो ये मेरा ड्रेस ऐसे था। और ऐसे भी यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, कपड़े सूखने के ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं यही ड्रेस डाल ली। सुबह में पूजा किया था इस ड्रेस पे, उसके बाद से मेरा मतलब इसको पहन के मैं वॉशरूम में गई नहीं और सिर्फ शाम का दीपक जलाना, तो मैंने यही ड्रेस डाल ली। और मैंने अभी जस्ट शैम्पू किया क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गए थे, ऑयली ऑयली हो गए थे, संडे था और कल हमारा तीज भी है तो इसकी वजह से मैं शैम्पू करना ज़रूरी था, तो मैंने अभी जस्ट शैम्पू किया। और बारिश तो ऐसी हो रही है, मूसलधार बारिश हो रही है यहाँ पे, और आई थिंक ये बारिश ना बारिश डांडिया तक होगी। सो चलो चलते हैं, नवीन की कॉल आ गई, 5 बज गए तो नवीन की कॉल आ गई कि वो आ रहे हैं, मेरे लिए चाय रखो, तो चलती हूँ चाय रखती हूँ मैं उनके लिए। उनके लिए क्या, मैं अपने लिए और खीर, मैंने नहाई और खीर रख दिया मैंने शाम को बनाने के लिए, तो खीर भी बन रहा है मेरा, ऑलमोस्ट बन भी चुका है। मैं नीचे आ गई हूँ, रख दो। सो मैं आ गई किचन में, खीर बन गया है, ये मेरा खीर बन, ओ माय गॉड एकदम रबड़ी हो गया, रबड़ी हो गया, रबड़ी हो गया। इसको मैं बंद कर देती हूँ, खुशबू आ गई बहुत अच्छी। अब इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डालूँगी, और सबका डालूँगी मैं। खीर बन के हो गया रेडी, और नीचे पकड़ लिया था क्योंकि मैं ऐसे कम आंच पे रख के ना मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो नहाने में टाइम तो लगता ही, जब तक ये पक रहा था थोड़ा सा लगा हुआ, बट सोना सुंदर सा इसका स्वाद आएगा। चलो ये हो गया खीर, अब मैं रखती पूरी और सब्जी बनाने, आलू भी बॉयल करके रखा है मैंने। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना कैमरा ऑन है और मैं गाना गुनगुनाना चालू कर देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है मैं ऐसी और वो हो जाती है रिकॉर्ड मेरी, बट कोई नहीं, मेरे को आदत है गुनगुनाने की। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस हमारे लल्ला का खाना रेडी हो गया, और हमारे लल्ला का खाना आज है खीर और पूरी, क्योंकि सब्जी वैसे बिना नमक और बिना लहसुन प्याज का ही बना रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैंने लल्ला के लिए सिर्फ खीर पूरी बनाया। और अपने लिए हमने बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज के टमाटर की, आलू टमाटर की सब्जी, हाँ निकाल दिया मैंने, और पूरी एंड खीर तो ऑलरेडी आपने देख ली। तड़का मैंने लगाया सिर्फ जीरे का, और यहाँ पे बहुत सारा टमाटर डालूंगी, बहुत सारा, क्योंकि कल का ब्लॉग देख के आपको लगा होगा कि यार कि हमारा टमाटर सस्ता, मतलब टमाटर सस्ता हो गया, बोलने का मतलब ये था। छोटी छोटी आशा हो, बहुत सारा टमाटर डालूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा टमाटर ना बहुत पसंद है, टमाटर वाली सब्जी मुझे बहुत पसंद है, छोटे हल्की हल्की ग्रेवी हो, तो मैं बहुत सारा टमाटर डालूंगी। और मैं बता रही हूँ कैसे बना रही हूँ, आलू आलू को बॉईल किया मैंने, जीरे का तड़का डाला और उसमें मैंने बहुत सारा टमाटर काट लिया, धो के टमाटर रखा हुआ है, और इसमें एक और चीज़ डालूंगी जिससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा, बताती हूँ टमाटर काट लूँ फिर बताती हूँ आपको।
ना मैंने मूंगफली को भून के क्रश किया है, ये डालूंगी मैं, थोड़ा टमाटर पक जाए फिर डालूंगी मैं ये। तुम्हें खिला क्या था ना, उसमें अभी दे दी है। हाँ दे दोस्तों, यहाँ से मैं सब्जी बना रही हूँ एंड पूरी। जैसे कि आपको पता था दिन में खाना नहीं बना था, रात वाला ही खाना इतना पड़ा हुआ था और नवीन बहुत लेट आए। सब्जी बिल्कुल चटपटी सब्जी बना रही हूँ। चलता हुआ टफी काटे भूख लग गया देता हूँ इसमें देखो कैसे बैठ गया गुड बॉय। फाइनली हमारा हो गया डिनर और हमने डिनर बहुत टेस्टी बनाया था आज। मैंने डिनर बहुत ही टेस्टी बनाया था बिना लहसुन प्याज के भी इतनी अच्छी सब्जी बन सकती है। मेहंदी निकालो। नहीं मेहंदी पेंसिल से। हाँ ये हमारी मेहंदी निकालेंगे पेंसिल से। और मैंने अभी तक मेहंदी क्यों नहीं लगाई मैं आपको क्या ही बताऊँ कि इतनी तेज बारिश हो रही है कि मैं बाहर जा भी नहीं सकती और हमारे आसपास में कोई मेहंदी लगाता नहीं है। और मतलब हमारे मेरे घर में सबने मेहंदी लगा ली है। मेरी मम्मी भाभी सॉरी मम्मी बहन सबने लगा लिया है बट मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया आपको बताई देती हूँ कमेंट्स में कि मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई तीज पे। क्या ऐसी बात है कि जिसकी वजह से मैं मेहंदी नहीं लगा पाई और क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो मैं बाहर बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा नासिक को लेके जाएगा ये वैसी बारिश हो रही है एंड बारिश बहुत हो रही है और क्या ही है। दूसरी बात ये है कि मैं आसपास में कोई ऐसा है नहीं और मुझे जब मेहंदी लगानी होती है ना गाइस तो मैं अच्छी वाली मेहंदी लगाती हूँ। लिपा पोती वाली मेहंदी मैं कभी नहीं लगाती। मुझे याद है जहाँ तक मैंने अपनी शादी से पहले तो लगाती ही नहीं थी लेकिन शादी के बाद से भी मैंने शादी के टाइम और उसके बाद एक या दो बार उससे ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं मेहंदी लगाई क्योंकि मुझे जब मेहंदी लगानी तो अच्छी लगाऊंगी अदरवाइज नहीं लगाऊंगी। मुझे यही पसंद है मैं कोई भी काम हो अच्छा हो अदरवाइज ना ही हो हाथ ऐसे अच्छे लगेंगे ये नहीं कि इस पर लिपा पोती नहीं तो मुझे नहीं पसंद है। बट सुहागन का व्रत है और हमारे मायने रखता है कि मेहंदी लगानी चाहिए तो मैं लगाऊंगी मेहंदी लेकिन अपने हाथ से ही लगाऊंगी। सिर्फ लड्डू ऐसा गोल सा बनाऊंगी कोशिश करूंगी मैं। क्यों नहीं लगा पाई मैं तो आपको ये बता दी कोशिश करूंगी कि लगा लूं और नहीं लगा पाई तो यही रीज़न कि मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ। तीज इतना अच्छा फेस्टिवल मतलब सबने लगाया होगा सिर्फ मैंने नहीं लगाया। मेरे बाल अभी भी गीले हैं मैं और मैं इसे जूड़े बना के रखी हूँ सूख जाए नहीं तो रात को कैसे स्मेल सी आएगी बालों में से। एक्चुअली 4:30 बजे बाल धोया ना तो स्मेल सी आएगी तो
मेरा रीज़न यही है कि मैं इसलिए मेहंदी नहीं लगा पाई गाइस, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मैं क्या करूँ, मेहंदी कैसे लगाऊँ मैं, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने आती है बट वो वाली मेहंदी नहीं आती है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं वैसी जैसे मेरी सिस्टर ने लगाया ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाई हो, बट उसके यहाँ ऑप्शन है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है वो, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं अपने हाथों में मेहंदी कैसे लगाऊँ, तो उसके हिसाब से मैं मेहंदी लगाऊंगी। आज नहीं सॉरी, ब्लॉग कल जाएगी, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। और कल की ब्लॉगिंग मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छी जाए ब्लॉगिंग मेरी, क्योंकि ना कल तीज है या ओवियसली तीज है, तो मैं सोचूँ कोशिश करूँगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना मुझे ही कैमरा पकड़ना पड़ता है, मैं पीयू को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। एक दो मिनट कभी ले लिया, छः महीने में ले लिया, मैं डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि उसकी खुद की स्टडी है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और वो इस मतलब बोलते हैं कुछ बच्चे एक्साइटेड होते हैं वीडियो में आने के लिए, उसको बिल्कुल नहीं कहा वीडियो चल रहा क्या, उसको उससे मतलब नहीं रहता है, वो मतलब उसको पसंद नहीं है मेरे कोशिश करने पे, वो आती मतलब गुस्सा करूँगी थोड़ा सा पकड़ लो कैमरा तो करेगी, अदरवाइज वो नहीं करती, उसको नहीं पसंद है, जैसे कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो उसको भी नहीं पसंद है। तो इतना सारा तो लेक्चर दे दिया मैंने आपको, तो मेरे लेक्चर आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताना, तो मैं ऐसे लेक्चर आपको हमेशा देती रहूँगी। और मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई आपको बता दिया मैंने, तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मेहंदी लगाऊँ, ऐसे बना ही लड्डू ही बना लूँ क्या। तो चलो गुड नाइट, टेक केयर, और बहुत सारा प्यार आप लोगों को।